और अब फटाफट एक नजर आज की कुछ और बड़ी खबरों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज आकाशवाणी के जरिए देशवासियों के साथ करेंगे मन की बात। सुबह 11 बजे प्रसारित होने वाले इस कार्यक्रम का दूरदर्शन के सभी केंद्रों से किया जाएगा प्रसारण। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के सम्मेलन में केंद्र की गरीबों के कल्याण और सुशासन वाली योजनाओं को मिशन मोड में लागू करने को कहा। दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट ने नेशनल हेराल्ड मामले में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी, उपाध्यक्ष राहुल गांधी और 5 अन्य को नोटिस जारी किया। जर्मनी के लिप्जिग में बलूचिस्तान समर्थक प्रदर्शनकारियों ने पाकिस्तान की ज्यादतियों के विरोध में किया प्रदर्शन। प्रदर्शनकारियों ने हाथ में तिरंगा लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समर्थन में लगाए नारे। केरला के अनकमाली में कुरुकट्टी स्टेशन के पास देर रात तिरुवनंतपुरम मंगलपुरम एक्सप्रेस रेलगाड़ी के कुछ डिब्बे पटरी से उतर गए। इस घटना में किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने ब्रिक्स में अंतर्राष्ट्रीय पंचायत चुनौतियां, संभावनाएं और भविष्य विषय पर आयोजित सम्मेलन का शुभारंभ किया। ब्रिक्स का सबसे बड़ा राजनीतिक सह आर्थिक सम्मेलन अक्टूबर में होने वाला है। इस मौके पर वित्त मंत्री ने कहा कि इन देशों के बीच व्यापार लगातार बढ़ रहा है, ऐसे में विवादों के निपटारे के लिए प्रभावी तंत्र की जरूरत है ताकि इन देशों की आर्थिक गतिविधियों और सहयोग को और बढ़ावा मिल सके। इसरो ने हासिल की एक और उपलब्धि। श्रीहरिकोटा से स्क्रैमजेट रॉकेट इंजन का सफलतापूर्ण किया परीक्षण। वायुमंडलीय ऑक्सीजन से अंतरिक्ष में पहली बार सांस लेगा इसरो का ये रॉकेट। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने कहा है कि विश्वविद्यालय विचारों के मुक्त आदान प्रदान और विचार विमर्श व चिंतन का सर्वोत्तम मंच है। बिहार में राजगीर में नालंदा विश्वविद्यालय के पहले दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि नालंदा भूमि का टुकड़ा और अवशेष मात्र नहीं है, बल्कि ये विचारों और संस्कृति की एक झलक है जो 1200 साल पहले समृद्ध हुई। बिहार सरकार ने मानकों पर खरा नहीं उतरने वाले 52 कॉलेजों की मान्यता फिलहाल रद्द कर दी है। बिहार स्कूल परीक्षा बोर्ड के अध्यक्ष आनंद किशोर ने बताया कि इंटरमीडिएट परीक्षा में घोटाले के बाद 213 कॉलेजों की जांच कराई गई थी। इन कॉलेजों के प्रबंधकों से कहा गया है कि वे 15 दिनों के अंदर अंदर बोर्ड के सामने अपना पक्ष रखें। मुर्शिदाबाद मेडिकल कॉलेज अस्पताल में कल आग लग जाने के बाद मची भगदड़ में 2 लोग मारे गए और 7 अन्य घायल हो गए। घटना के बाद मरीजों और उनके तीमारदारों के बीच दहशत फैल गई। पश्चिम बंगाल ने आग की सीआईडी जांच का आदेश दिया है। राज्य सचिवालय ने बताया है कि सीआईडी से घटना में साजिश की संभावना पर गौर करने को कहा गया है। कुर्द लड़ाकों ने तुर्की के दक्षिण पूर्व में स्थित दियार बकीर शहर के हवाई अड्डे पर किया हमला। किसी के हताहत होने की खबर नहीं। उत्तरी सीरिया में तुर्की टैंक पर हुए हमले में एक सैनिक की मौत। सीरिया के शहर दराया पर फिर से सरकार का नियंत्रण हो गया है। 4 साल से संघर्ष झेल रहे इस शहर से विद्रोही एक समझौते के तहत हटने को तैयार हुए हैं। राजधानी दमिश्क के करीब दराया को अब पूरी तरह विद्रोहियों से खाली करा लिया गया है। विद्रोहियों ने वहां से निकलने से पहले अपने भारी हथियार भी सौंप दिए। रूस की राजधानी मॉस्को में कंपनी के वेयरहाउस में आग लगने से 17 लोगों की मौत हो गई है, जबकि कई लोग घायल हुए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक 10 लोगों को वेयरहाउस से सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आग लगने की वजहों का अभी तक पता नहीं चल पाया है। मॉस्को के मेयर सेग्रेई ने बताया कि कानून मंत्रालय के साथ मिलकर इस मामले की जाँच की जा रही है। सानिया मिर्जा और रोमानिया की मोनिका निकलेस्कू की जोड़ी ने कनेक्टिकट ओपन के महिला युगल के खिताब पर किया कब्जा। बोंड्रेंको और चुआंग की जोड़ी को सीधे सेट में दी मात। अमेरिका में खेले गए पहले T20 मुकाबले में वेस्टइंडीज ने भारत को हराया। जीत के लिए मिले 246 रन का पीछा करते हुए भारतीय टीम एक रन से चूकी दूसरा T20 मैच आज। इस T20 मैच के साथ धोनी ने बतौर कप्तान अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 325 मैच पूरे कर ऑस्ट्रेलियाई कप्तान रिकी पॉन्टिंग के 324 मैचों के रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। धोनी 194 एक दिवसीय, 60 टेस्ट और 71 अंतर्राष्ट्रीय T20 मैचों में भारत की कप्तानी कर चुके हैं। इस न्यूज बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। ताजा तरीन खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए मेट्रो टीवी से। नमस्कार।